नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड किया जाए कल के दिन। दोस्तों, यह निफ्टी का डेली चार्ट, हम डेली चार्ट में हम एनालिसिस करते हैं कि क्या निफ्टी में भी आगे वाले मूव रहेगा। दोस्तों, अगर हम कैंडलस्टिक यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिंपल आपको यहाँ पर फॉर्मेशन दिख रहा होगा डब्ल्यू का, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ तक मार्केट नीचे आता है, ठीक है। यहाँ से एक बाउंस बैक आके देन अगेन मार्केट में फॉल आता है, देन अगेन यहाँ पर बॉटम बना के मार्केट अगेन ऊपर जाता है। तो ये फॉर्मेशन है डब्ल्यू। डब्ल्यू का फॉर्मेशन जब भी होता है इसे हम बोलते हैं डबल बॉटम। तो दोस्तों सिंपल है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट ने डबल बॉटम फॉर्मेशन बनाया है और ये है नेकलाइन, जो ये लेवल है, दिस इज नेकलाइन 18,065 ये नेकलाइन है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होती है, 18,065 के ऊपर क्लोजिंग होती है, देन वी विल सी 18,200, 18,300 तक टारगेट आ सकते हैं निफ्टी में, ठीक है। यहाँ तक जा सकता है, देन अगेन रिट्रेस होके 18,000 तक, देन अगेन एक मूव आ सकता है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी निफ्टी। ये जैसे नेकलाइन तोड़ेगा 100-200 पॉइंट्स आके, देन अगेन एक रिट्रेसमेंट आ सकता है 18,000 तक, देन अगेन एक रैली आ सकती है। सो दिस इज द पॉसिबिलिटी निफ्टी, ठीक है। तो 18,065 के कल के दिन ओपनिंग में लग रहा है, क्योंकि एसजीएक्स आप देखेंगे 200 पॉइंट ऊपर एसजीएक्स। सो एक गैप अप ओपनिंग हो सकती है कल के दिन। जिनके पास भी कॉल होल्ड या फ्यूचर्स लॉन्ग कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो टू द कॉस्ट, ठीक है, और एज द फ्राइडेज क्लोजिंग। यहाँ पर आप स्टॉप लॉस लगाकर होल्ड कर सकते हो निफ्टी को for the targets of 18,200, 18,300 positional targets। यहाँ पर आप यहाँ पर बुक कर सकते हो, देन अगेन जब रिट्रेसमेंट आता है 18,000 में फिर से आप बाय कर सकते हो। बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 18,000, बिकॉज ये रिट्रेस होके देन अगेन रैली आ सकता है। इफ इट क्लोज बिलो दिस लेवल, ठीक है, रिट्रेसमेंट में इसके नीचे क्लोज होता है, देन फिर से हम यहाँ पर फॉल देख सकते और एल्स दिस विल बी द रिट्रेसमेंट। तो 18,065 के ऊपर क्लोजिंग होता है, वी विल हेडिंग टुवर्ड्स 18,200 टू 18,300। दिस इज द टारगेट्स फॉर निफ्टी। अभी हम बात करेंगे निफ्टी का डेली चार्ट। दोस्तों, आप नोटिस कर रहे होंगे कि निफ्टी के चार्ट से बैंक निफ्टी का चार्ट अलग है, ठीक है। यहाँ अभी निफ्टी का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, ठीक है। अभी निफ्टी में देखिए, अगर आप निफ्टी का अगर चार्ट देखते तो डब्ल्यू सिर्फ इधर तक ही आया है, वो नेकलाइन तक भी नहीं पहुंचा है। नेकलाइन क्रॉस करके ऊपर आके मैंने क्या बोला था, रिट्रेसमेंट होके एक रैली आ सकती है। ये मैं निफ्टी का चार्ट बताता, पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑलरेडी डब्ल्यू का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है। दिस इज द नेकलाइन, वो नेकलाइन से थोड़ा नीचे आया है, ठीक है। सो दिस विल बी द शॉर्ट रिट्रेसमेंट आप बोल सकते हो। दिस इज द रिट्रेसमेंट और यहाँ से एक रैली आ सकती है। सो एक शार्प रैली आ सकती है बैंक निफ्टी में। फर्स्ट टारगेट्स निकल के आता है 42,000 का, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई है, इसको ब्रेक कर सकता है बैंक निफ्टी, ठीक है। और 42,000 के लेवल्स के ऊपर 42,500, 43,000, दिस इज द पोजिशनल टारगेट फॉर बैंक निफ्टी। ये नवंबर सीरीज में अचीव हो सकते हैं। सो जिनके पास भी कॉल होल्ड है और फ्यूचर्स लॉन्ग ही है, उनको यही राय रहेगी कि फ्राइडे के क्लोजिंग से आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए, ठीक है। लेट्स से फ्राइडे का क्लोजिंग है 40,990, यहाँ पर आप स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए। कल के दिन मार्केट 41,500, 41,800 टच कर सकता है, आप वेट कीजिए, ठीक है। देन अगेन ट्यूसडे के दिन मार्केट ओपन होता है 42,000, देन आपका स्टॉप लॉस क्या रहेगा, जो भी कल की क्लोजिंग होगी वो आपका ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा। तो ऐसे आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते आपको होल्ड करना है, पोजिशन जो है आपका होल्ड करना है। जैसे स्टॉप लॉस हिट होता है रिट्रेसमेंट में, लेट से यहाँ तक मार्केट जाता है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ प्लेस किया, एक रिट्रेसमेंट के लिए नीचे आएगा मार्केट, स्टॉप लॉस हिट होता है, देन आप एग्जिट कर लीजिए पोजीशन को, ठीक है। क्योंकि क्योंकि रिट्रेसमेंट में लेट से ये डब्ल्यू पैटर्न बना, ठीक है, ये नेकलाइन है, इसको ब्रेक किया यहाँ तक गया, यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस था, देन यहाँ पर नीचे आया रिट्रेसमेंट के लिए। अगर यहाँ से ऐसे ऊपर बनता है चार्ट, ठीक है, डेली चार्ट में बता रहा है, ऐसे ऊपर बनता है, देन आपको यहाँ पर बाय करना है अगेन फॉर द रैली। और अगर इसके नीचे क्लोज होता है या ऐसा चार्ट बनता है तो और फॉल आने के चांसेस है। सो दिस इज द डबल बॉटम, ऐसे काम करता है। रिट्रेसमेंट में बताया रिट्रेसमेंट होता क्या,
जब भी मार्केट वन साइड ऐसा ऊपर जाता है तो थोड़ा नीचे आता है, तो रिट्रेस होता है, देन अगेन एक रैली रहता है, अगेन रिट्रेस होता है, देन अगेन ऊपर जाता है। अप ट्रेंड में ऐसे चलता है, डाउन ट्रेंड कैसे चलता है, एक साथ नीचे आए, फॉल आता है, थोड़ा रिट्रेसमेंट, अगेन फॉल, थोड़ा रिट्रेसमेंट, अगेन फॉल। सो दिस इज द डाउन ट्रेंड। और अप ट्रेंड में अप ट्रेंड, देन अगेन रिट्रेसमेंट, देन अप, देन अगेन रिट्रेसमेंट। सो दिस इज ऐसे चलता है मार्केट। तो सो आपको एंट्री जब भी रैली होती है ना, कब जब ये रैली में आपको कूदना नहीं होता, ठीक है, कभी भी आपको रैली में एंटर नहीं करना है। लेट्स से बैंक निफ्टी कल ओपन होता है 500 पॉइंट्स ऊपर, ठीक है, गैप अप होती है, देन 500 से ये 700 पॉइंट चला जाता है, आपको लग रहा है कि ऑलरेडी इतना भाग रहा है तो मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ, ये और ऊपर जा सकता है, देन क्या होता है, बाय जैसे करते हो नीचे आ जाता है, ठीक है। और 700 पॉइंट जो प्लस दिख रहा था वो अभी सिर्फ 400 पॉइंट या 300 पॉइंट दिखता है, ठीक है। मार्केट क्या करता है, रिट्रेस होता है, और ये रिट्रेसमेंट में आप यहाँ पर एग्जिट कर लेते हो, स्टॉप लॉस हिट होता है, देन फिर ऊपर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या, जब भी रैली आते हैं आपको रिट्रेसमेंट का वेट करना, आपको रिट्रेसमेंट नहीं मिला तो आप ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, आपको सिर्फ वॉच करना है वो दिन। जब भी मार्केट रैली करता है, रिट्रेस होता है, देन आपको यहाँ पर रिट्रेसमेंट में बाय करना है, देन अगेन एक रैली में आपको यहाँ पर टारगेट आपको मिलेगा, और अच्छा टारगेट मिलेगा आपको, 1:2, 1:3 के टारगेट भी आपको मिल सकते हैं। सो फ्रेश पोजीशन के लिए भी लॉन्ग की सलाह रहेगी, आप बाय कीजिए बैंक निफ्टी एंड निफ्टी बोथ इंडाइसेस विद द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, और जिनके पास होल्ड है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते करते होल्ड कर सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना।